वेलकम टू कैप्टन एंड डिफेंस। हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइज, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम रोज पढ़ेंगे, ठीक है ना। गुलाब को हम पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस के अंदर चार फ्लावर आपके दिए हुए हैं। एक तो रोज दिया हुआ है, क्राइसेंथेमम दिया हुआ है, मैरीगोल्ड दिया हुआ है और ग्लेडियोलस दिया हुआ है। रोज एक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर है, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। भाई आप सभी रेडी हो ना? बिल्कुल। सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और क्लास अटेंड कर सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। भाई मॉर्निंग को हमारी क्लास नहीं लगी थी क्योंकि संडे को जो टेस्ट था, तो टेस्ट होने के बाद में इतना आंधी तूफान आया कि सुबह इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो आज मॉर्निंग को क्लास नहीं लग पाई, आज इवनिंग में हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं रोज, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने टेस्ट को बिल्कुल अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। आप लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट ने मुझे आपकी जो आंसर शीट थी वो भी मुझे सेंड की है कि सर हमारे 40 में से 35 सही निकले हैं, 40 में से 40 सही निकले हैं। भाई आप बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट देते रहे, अच्छे से तैयारी करते रहे ताकि आप अपने एग्जाम को बिल्कुल अच्छे से कर पाओ, अपना सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे से ले पाओ, टॉप रैंक आपकी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं रोज। बेसिक क्वेश्चन आपके ऊपर वाली लाइन से ही पुटअप होता है अधिकतर एग्जाम में, ठीक है ना। रोज हिंदी में बोलते हैं गुलाब, हिंदी में क्या बोलेंगे? गुलाब बोलेंगे, बड़ा ही प्यारा नाम है। किंग ऑफ फ्लावर इसको बोला जाता है, मतलब फूलों का राजा। फलों का राजा तो आम होता है और फूलों का राजा रोज होता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। सिंबल ऑफ द लव मतलब मेरा सिंबल है, दूसरा ब्यूटी सुंदरता। कहने का मतलब है जो गुलाब का फूल है एक तो प्यार का संदेश देता है, तो ये किसका सिंबल हो गया? प्यार का सिंबल हो गया और ब्यूटी का। मतलब अगर आप किसी के सामने भी इसे रोज देखे जाओगे ना तो समझेगा कि हाँ ये प्यार के लिए बोल रहा है मेरे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड भी बोला जाता है, मतलब इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? रोज है। इराक का जो राष्ट्रीय फूल है वो भी क्या है? रोज है। यूके का जो राष्ट्रीय फूल है वो भी क्या है? रोज है। तो भाई अच्छे से याद रखें, हम बात करें हमारे इंडिया की, कि हमारा इंडिया का जो एक तरीके से नेशनल जो फ्लावर है, नेशनल फ्लावर वो कौन सा है? तो भाई मैंने आपको बताया था क्या है, भाई लोटस है, ठीक है ना। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेशनल फ्रूट इंडिया का कौन है? मैंगो है, जिसको बाथरूम फ्रूट भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक बेसिक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गुलाब किंग ऑफ फ्लावर बोला जाएगा, सिंबल ऑफ लव एंड ब्यूटी, एंड नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का भी फूल है, कौन सा? नेशनल। और इराक का भी है और यूके का भी है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम बात करते हैं बोटानिकल नेम की, वानस्पतिक नाम क्या है। तो देखो रोज की अलग अलग प्रजातियां हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं, उनके बोटानिकल नेम भी अलग अलग है, ठीक है। नॉर्मल जो देसी गुलाब होता है, देसी गुलाब क्या है भाई इसका बोटानिकल नेम? कमेंट करें। रोजा इंडिका। क्या है? रोजा इंडिका, इसका क्या हो जाएगा? बोटानिकल नेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है चैती गुलाब। क्या आता है? चैती गुलाब, चैत्र के महीने में उगने वाला, ठीक है ना। इसको डेमास्क रोज भी बोलते हैं और इसका बोटनिकल नेम है रोजा डोमेसिना, रोजा डोमेसिना, रोजा डोमेसिना। ये इसका क्या हो जाएगा? बोटनिकल नेम हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? रोजा इंडिका हो जाएगा, रोजा इंडिका। अधिकतर आपसे यही पुटअप किया जाता है और इसी को हम यहां पर पढ़ते हैं क्योंकि यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। आगे बढ़ते हैं, कुंज गुलाब की हम बात करते हैं। कुंज गुलाब को मस्क रोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मस्क रोज। और इसका है रोजा मोस्टाटा, रोजा मोस्टाटा, रोजा मोस्टाटा। इसका क्या हो जाएगा? बोटनिकल नेम हो जाएगा। तो भाई तीनों बोटनिकल नेम बिल्कुल अलग अलग तरीके से आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए चेती गुलाब का बोटनिकल नेम क्या है, तब आप रोजा डोमेसिना बताओगे। अगर आपसे कुंज गुलाब का पूछा जाए तो आप रोजा मोस्टाटा बताओगे। अगर आपसे देसी गुलाब का पूछा जाए तो आप रोजा इंडिका बताओगे। एक और स्पीसीज है हमारे पास, गंगानगरी गुलाब, और इसका है रोजा परपेचुअल, ठीक है ना। रोजा, इसका बोटनिकल नेम अच्छे से याद रखना, रोजा परपेचुअल, परपेचुअल। तो भाई ये चार बोटनिकल नेम है, चारों आपको अलग अलग तरीके से याद रखने हैं। ऐसा नहीं रोजा इंडिका याद कर लिया और हो गया काम, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है ना। चारों अभी के अभी याद कर लो, मेरे साथ बोलो रोजा इंडिका देसी गुलाब को बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करें चैती गुलाब, तो चैती गुलाब को रोजा डोमेसिना बोलते हैं। कुंज गुलाब इसको रोजा मोस्टाटा बोलते हैं। और गंगानगरी गुलाब इसको रोजा परपेचुअल, क्या बोलते हैं? रोजा परपेचुअल बोलते हैं। आगे बात करते हैं फैमिली की, तो इसकी फैमिली कौन सी है भाई? रोजेसी है, ठीक है। परिवार कौन सा है? रोजेसी, रोजेसी। इसकी क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी। हिंदी में भी भाई नोट करेंगे रोजेसी।
आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन की हम बात करते हैं। ओरिजिन आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है कोरोना, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है ब्राजील एंड ऑप्शन डी आपके पास है नीदरलैंड। नीदरलैंड, चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, क्या बताना है आपको? ओरिजिन बताना है किसका? रोज का। तो रोज का ओरिजिन कौन सा हो जाएगा भाई? इंडिया हो जाएगा। भारत इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है गुलाब का, इंडिया। और भाई गुलाब से क्या क्या बनाया जाता है आप सबको पता होगा, गुलकंद बनाई जाती है, इत्र बनाया जाता है। सबसे पहले बेगम नूरजहां ने बनाया था, इसलिए उसको इत्र का सबसे पहले खोजे जाने का जो श्रेय दिया गया है बेगम नूरजहां को दिया गया है। इसके गुलकंद बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है और बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाई जाती है इससे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर, कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये भी आप लोगों को बतानी है भाई, फटाफट कमेंट करना गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 2n इज इक्वल टू 12 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 2n इज इक्वल टू 14, ऑप्शन नंबर सी 2n इज इक्वल टू 18 एंड ऑप्शन नंबर डी 2n इज इक्वल टू 22। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, क्या बताना है आपको? गुणसूत्रों की संख्या बतानी है, क्रोमोसोम नंबर आपको बताना है गुलाब के अंदर। तो गुलाब के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 14। आगे हम बात करते हैं फ्रूट ऑफ रोज, मतलब रोज का जो फ्रूट होता है उसको क्या बोला जाता है, और इस पर स्टार लगा लेना और अपने माइंड में अभी के भी याद कर लेना। क्या बोला जाता है? हिप बोला जाता है, हिप्स, हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे हम इसको, हिप, हिप्स बोला जाता है गुलाब के फ्रूट को, गुलाब के फल को। आगे बढ़ते हैं ऑयल परसेंटेज, ऑयल परसेंटेज भाई इसकी पत्तियों से आप लोगों को पता है कि गुलाब जल निकाला जाता है और गुलाब जल काफी अच्छा माना गया है। तो गुलाब जल जो निकलता है इसकी पत्तियों में कितना परसेंट होता है उस जल का, तो ऑयल परसेंट, ठीक है ना, उसको ऑयल बोलते हैं हम यहाँ पे। तो ऑयल परसेंटेज होता है 0.02 से, याद रखना 0.2 नहीं लगाना आपको, 0.02 से लेकर 0.05% इसमें क्या होता है, गुलाब जल होता है इसकी पत्तियों में। आगे बढ़ते हैं, प्रोपोगेशन की हम बात करते हैं, तो प्रोपोगेशन इसमें हम करते हैं कलम द्वारा करते हैं भाई, आप सबको बता होगा IBM में डुबो कर, ठीक है ना, कलम लगाते हैं हम इसकी। तो कटिंग और बडिंग, सील्ड बडिंग, ठीक है ना, दोनों प्रोपोगेशन मेथड हम अपनाते हैं इसमें, कटिंग एंड सील्ड बडिंग। तो दोनों पे भाई स्टार लगा लेना, अच्छे से याद करना, क्योंकि प्रोपोगेशन आपसे पूछा जाता है कि गुलाब में किस प्रकार का प्रवर्धन किया जाता है, तो कलम द्वारा प्रवर्धन करते हैं हम, ठीक है ना। कलम को क्या करते हैं, IBM के घोल में डुबोकर लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रूनिंग कब करते हैं, किन महीनों में प्रूनिंग की जाती है, कटाई छटाई, तो सितंबर अक्टूबर में की जाती है, सितंबर अक्टूबर में। देखो प्रूनिंग करने के काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं, अगर कोई कीट वगैरह रोग वगैरह है तो उन पर भी नियंत्रण होता है। आपसे इसके रोग और कीट वगैरह नहीं पूछे जाएंगे और वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो सारा मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया जाता है, किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्लांटिंग की हम बात करते हैं, तो भाई एक महीने में तैयार हो जाता है, ठीक है। प्रूनिंग क्या हमने कब की, सितंबर अक्टूबर में, तो इसकी जो हम प्लांटिंग करते हैं, ठीक है, वो याद रखना आप अक्टूबर नवंबर में करते हैं, अक्टूबर नवंबर में हम क्या करते हैं, इसकी प्लांटिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेड कलर ऑफ फ्लावर, भाई इसके कुछ फूल होते हैं, अलग अलग रंग के फूल होते हैं, सफेद कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, बैंगनी कलर के होते हैं, सारे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड कलर ऑफ फ्लावर मतलब इसकी पत्तियों का लाल रंग किसके कारण होता है, तो भाई किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण इसकी पत्तियों का रंग लाल होता है। मोस्ट पॉपुलर रूट स्टॉक फॉर नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया के लिए सबसे अच्छा, भाई रूट स्टॉक जानते हो क्या होता है, जैसे ये गुलाब का पौधा है, ठीक है ना, तो ये अब इसमें दूसरी नई नई वेरायटी आती है, तो हम क्या करते हैं प्रोपोगेशन के द्वारा इसके ऊपर दूसरी नई वेरायटी लगा देते हैं इस तरीके से। तो जो नया पौधा हम लेते हैं इसको तो हम बोलते हैं सांकुर, इंग्लिश में बोलते हैं साइन, और इसको बोलते हैं रूट स्टॉक, रूट स्टॉक क्या बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट जो रूट स्टॉक है नॉर्थ इंडिया के लिए वो कौन सा है, तो कौन सा है भाई, रोजा इंडिका है, कौन सा है, रोजा इंडिका। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, रोजा इंडिका होगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। एक और है रोजा बार्बोनियाना, ठीक है ना, रोजा बार्बोनिया नाम इसको पढ़ते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के लिए मतलब उत्तरी भारत के लिए सबसे अच्छा रूट स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहां पर बात करते हैं साउथ इंडिया के लिए कौन सा है,
साउथ इंडिया के लिए कौन सा है? तो साउथ इंडिया के लिए है रोजा। देखो मोस्ट पॉपुलर रूट स्टॉक फॉर साउथ इंडिया, एस आई मतलब साउथ इंडिया रखोगे तो रोजा मल्टीफ्लोरा। कौन सा है? रोजा मल्टीफ्लोरा। ये साउथ इंडिया के लिए, दक्षिणी भारत के लिए सबसे अच्छा रूट स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट टाइम मोस्ट पॉपुलर, इस पर स्टार लगा लेना जितने भी आपके पास हो, ठीक है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रेजेंट टाइम पे सबसे बेस्ट, जो सबसे प्रिय लोकप्रिय जो रूट स्टॉक है वो कौन सा है। तो कौन सा है भाई? देसी गुलाब का है, मतलब रोजा इंडिका का है, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका सबसे पॉपुलर है, मतलब देसी गुलाब। इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? देसी गुलाब बोलते हैं, देसी गुलाब। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, किसकी खेती के लिए कितना टेम्परेचर उपयुक्त होता है। तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अच्छा माना जाता है। सीड ऑफ रोज, जो रोज गुलाब का जो सीड होता है, बीज होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? अकिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकिन्स। स्टार लगा लेना इस पे, ये आपसे पूछा जाता है कई बार। देखो ये जो वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मतलब इस तरीके से, ये आपके जेट आईसीआर बीएचयू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप आगे कोई सा भी एग्जाम दे लो, आप आईबीपीएस के एग्जाम दे लो, एएफओ के एग्जाम, ठीक है, इसके अलावा आप डबल एओ के एग्जाम दे लो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे लो, जितने भी आपके एग्रीकल्चर में एग्जाम होते हैं जिनके अंदर अगर गुलाब दिया हुआ है तो अधिकतर क्वेश्चन आपका इन्हीं पॉइंट से पुटअप होता है जो ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर नोट करवा रखे हैं। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं, कोई रामायण में आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा भाई। देखो कोचिंग में क्या होता है, पूरा रामायण पढ़ाया जाता है, कब पौधों को लगाएंगे, कब उगाएंगे, कब निराई गुड़ाई करेंगे, कब क्या करना है, हमें उन पर बात नहीं करनी। हम बात करेंगे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है और किस तरीके से पुटअप होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रोज ब्रीडर ऑफ इंडिया, मतलब भारत में प्रथम रोज के प्रजनक कौन थे। करीबन इन्होंने 100 रोज को विकसित किया था, 100 रोज की वैरायटियों को। तो फर्स्ट रोज ब्रीडर ऑफ इंडिया आपको बताना है, तो कौन है भाई? डॉक्टर रायचौधरी है। कौन है? बीके रायचौधरी, बीके रॉय चौधरी। तो भाई बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये इंडिया के सबसे पहले ब्रीडर हैं, रोज ब्रीडर इनको बोला जाता है, फर्स्ट रोज ब्रीडर मतलब भारतीय रोज के प्रथम प्रजनक, ठीक है ना। कौन है? बीके रॉय चौधरी है। इन्होंने करीबन 100 से अधिक वैरायटियों को डेवलप किया था। आगे हम बात करते हैं द फेमस रोज ब्रीडर ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे फेमस रोज ब्रीडर कौन है? तो भाई कौन है? डॉक्टर बीपी पॉल है, डॉक्टर बीपी पॉल। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं फ्लावर रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ ऑयल, मतलब अगर मुझे 1 ग्राम ऑयल चाहिए रोज का, गुलाब का, तो मुझे कितने फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए भाई आप लोग बताए, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 100 रोज, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 1000 रोज, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 2000 रोज, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 5000 रोज। मतलब इतने फूल मुझे लेने पड़ेंगे, या इतने लेने पड़ेंगे, इतने लेने पड़ेंगे, इतने लेने पड़ेंगे, कितने फूलों से मेरे को 1 ग्राम ऑयल मिलेगा। चलिए भाई कमेंट करें, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? 2000 फूल लेने पड़ेंगे मुझे 1 ग्राम ऑयल के लिए, मतलब 2000 फूल चाहिए 1 ग्राम ऑयल के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? कितने फ्लावर्स रिक्वायर होंगे भाई? 2000 फ्लावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे, अगर 1 ग्राम ऑयल मुझे बनाना है तो। आगे बढ़ते हैं, डेड हेडिंग एक प्रोसेस होती है रोज के अंदर, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? तो देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे गुलाब का पौधा है, इस पे बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन इसमें कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं, मरेले से हो जाते हैं, खराब से हो जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है भाई? काट के अलग कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, रिमूव ऑफ मतलब डेड फ्लावर्स, उसको बोलते हैं डेड हेडिंग। तो याद रखना, रिमूव ऑफ डेड फ्लावर मतलब मरे हुए फूलों को अलग काटना, हटाना। आगे हम बात करते हैं एरिया ऑफ नीदरलैंड भाई, एरिया जो है नीदरलैंड में, आप सबको बताया है कि नीदरलैंड के अंदर सबसे बड़ी फूलों की मंडी है। तो कितने एरिया में रोज को नीदरलैंड में उगाया जाता है? तो करीबन 8000 हेक्टेयर जमीन पर उगाया जाता है। कितनी जमीन पर उगाया जाता है? 8000 हेक्टेयर जमीन पर क्या उगाया जाता है भाई?
नीदरलैंड में रोज को उगाया जाता है। और हमारे इंडिया में फूलों की खेती, सभी फूलों की खेती कितनी जमीन पर होती है? अप्रोक्स 100,000 हेक्टेयर पर होती है सभी फूलों की खेती। और जो रोज है, रोज गुलाब ये किस प्रकार का फ्लावर है भाई? मैंने आपको फ्लावर के दो प्रकार बताए थे, एक तो मैंने आपको बताया था कट फ्लावर और एक बताया था लूज फ्लावर। कट फ्लावर क्या होता है? जिसको हमें किसके मतलब टहनी के साथ देना हो, टहनी के साथ मतलब समझ गए आप, एक तरीके से शाखा के साथ। और एक लूज फ्लावर होता है, लूज फ्लावर में क्या बताया था मैंने आपको, नॉर्मल ऊपर ऊपर से फूल भगवान को चढ़ाने के लिए, इनके लिए जो फूल होता है जिस फूल को तोड़ा जाता है होता है लूज फ्लावर। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो एक तरीके से रोज फ्लावर है ये किस प्रकार का फ्लावर है, कट फ्लावर है या फिर लूज फ्लावर है? चलिए भाई, एक 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास है, कमेंट करें जल्दी से जल्दी। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहां पर भाई? रोज एक कट फ्लावर है, मतलब इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो यहां से तोड़ूंगा भाई। आप लोगों ने तो देखा होगा ना, ऐसे मूवी के अंदर देखा होगा कि ऐसे कोई लड़का होता है लड़की को ऐसे रोज देता है, तो रोज के साथ क्या होती है? टहनी होती है, शाखा होती है। तो जो भी शाखा के साथ तोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? कट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि इस तरीके से उसको दे सके। लेकिन अगर नॉर्मल ऊपर ऊपर का फूल जिसका तोड़ा जाता है, सपोज करो ये फूल मैंने तोड़ा है, तो फिर ये कट फ्लावर नहीं होगा, ये क्या होगा? लूज फ्लावर होगा। इसकी मैं माला बनाऊंगा, नेताओं के लिए बनाई जाती है, मंदिर में चढ़ाया जाता है, ठीक है ना, अलग अलग कार्य के लिए उसको काम में लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने नीदरलैंड देख लिया, नीदरलैंड में 8,000 हेक्टेयर में क्या उगाया जाता है? रोज उगाया जाता है। आई होप आप लोगों ने इसको पूरा समझा होगा। आगे हम बात करेंगे इसकी वेराइटीज की, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है हमारे पास कि कौन सा गुलाब है जिसका यूज कहाँ पर किया जाता है। अगर आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया है तो आप नोट कर ले, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे, इसको ले लिया भाई सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नोट करते हुए चलना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि रोज से आपका एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है जो पूछा जाता है, वही रिवाइज करवाना है क्या? एक बार फटाफट से देख लो, रोज किंग ऑफ फ्लावर बोला जाता है, सिंबल ऑफ लव ब्यूटी बोला जाता है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड ईरान और यूके बोला जाता है, देसी गुलाब रोजा इंडिका होता है, चेती गुलाब रोजा डोमसिना होता है, कुंज गुलाब रोजा मोस्टाटा होता है, गंगानगरी गुलाब रोजा परपेचुअल होता है, परपेचुअल इसको बोलेंगे, ठीक है। फैमिली रोजेसी हो जाएगी, ओरिजिन इंडिया हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर 14 हो जाएंगे, और फ्रूट जो इसका होता है उसको हिप बोलते हैं, स्टार लगा लेना, ऑयल परसेंटेज 0.02 से 0.05% होता है, प्रोपोगेशन कटिंग और सील्ड बडिंग करते हैं, प्रूनिंग सितंबर अक्टूबर में करते हैं, प्लांटिंग अक्टूबर नवंबर में करते हैं, और स्पेसिंग है ना, स्पेसिंग भी याद रखना 1x1 मीटर पे हम पौधे को लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेड कलर ऑफ फ्लावर एंथोसायनिन की वजह से होता है, मोस्ट पॉपुलर रूट स्टॉक कौन सा है? रोजा इंडिका है, और रोजा इंडिका, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के लिए, और दूसरा जो पॉपुलर है अभी प्रेजेंट टाइम पे वो भी रोजा इंडिका है, बाकी साउथ इंडिया का पूछा जाएगा तो रोजा मल्टीफ्लोरा आप लगा दोगे। टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सीड ऑफ रोज को एकिंस बोलते हैं। फर्स्ट रोज ब्रीडर इंडिया के अंदर बीके रॉय चौधरी है, और जो फेमस है ब्रीडर वो कौन है? डॉक्टर बीपी पॉल है। फ्लावर रिक्वायरमेंट 1 ग्राम ऑयल के लिए 2000 फ्लावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डेड हेडिंग क्या होता है? रिमूव ऑफ डेड फ्लावर, और एरिया है नीदरलैंड का 8,000 हेक्टेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम बात करेंगे कि कौन से रोज का उपयोग कहां पर किया जाता है, मतलब कलर के बेस पे हम देखने वाले हैं भाई। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यार बिल्कुल वीडियो को, सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे। अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। और यार मैंने आप लोगों से सपोर्ट के लिए बोला था, बस 2-4 बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है, बाकी आप सभी सपोर्ट करें यार, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी पढ़ते तब भी वहाँ पर आप पे करते कुछ न कुछ, मैं यहाँ पर अभी ज़रूरत है इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ, क्योंकि यार लॉकडाउन के चलते जो है ना यूट्यूब का रेवेन्यू बिल्कुल डाउन है, 2 महीने से कोई यहाँ पर रेवेन्यू नहीं है, और जितना था वो मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि पर डे का कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस होता है, तो यार आप गूगल पे से जितना हो सके 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये आप मुझे पे जरूर करें, ताकि आपको यहाँ टाइम से क्लासेस मिलती रहे, टाइम से आपको मतलब एक तरीके से पूरी क्लास है, आपका सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, आप सिलेबस की बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप मुझे सपोर्ट करें, अधिक से अधिक आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम के अलावा आप मुझे जीमेल पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, आपको जहां पर भी मैसेज करना है सब जगह मैसेज करें, मैं आंसर देने के लिए आपके रेडी हूं, ठीक है, आपको आंसर मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं हम यहां पर कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके यहां से पुट अप होते हैं। अब हम बात करते हैं रेड रोज, रेड रोज भाई स्टार लगाते हुए लिखते जाना,
रेड रोज लाल गुलाब जो होता है इसका प्रयोग या इसका संबंध किससे है, मतलब किस लिए लाल गुलाब का उपयोग किया जाता है। तो देखो ये किस चीज को बताता है, लाल गुलाब कॉनवे डीप इमोशन, मतलब डीप इमोशन को क्या करता है ये, मतलब एक तरीके से प्रकट करता है भावनाओं को, मतलब ये लव, लव से इसका संबंध है। अगर अगर आपको कोई रेड गुलाब देता है तो समझ लो कि वो उसको आपसे प्यार है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। दूसरा गुलाब हमारे पास आता है डीप एंड रोज, डीप डीप रेड रोज मतलब गहरा गुलाब है, गहरा गहरा लाल रंग का गुलाब है। तो क्या बताना चाहता है आपको, देखो वो बताना चाहता है आपको हर्ट फेल रिग्रेंट एंड सोरो, मतलब उसको अफसोस है, क्या है अफसोस है, थोड़ा सा दुख है, और वो क्या कर रहा है दुख व्यक्त कर रहा है, तो अफसोस व्यक्त करने के लिए, अफसोस व्यक्त करने के लिए। आगे हम बात करते हैं, अगला आता है हमारे पास व्हाइट रोज, व्हाइट रोज, व्हाइट रोज का तो भाई व्हाइट रोज जो है ये क्या करता है, सहानुभूति, मानवता के प्रति सहानुभूति दर्शाता है, मतलब ठीक है ना, सिंपैथी ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब सहानुभूति के प्रति सहानुभूति। अगर आपको कोई सफेद गुलाब देता है तो समझ लो कि वो सहानुभूति दर्शाना चाह रहा है मानवता के प्रति। अगला आता है हमारे पास यहां पर येलो रोज, पीला गुलाब, और जो पीला गुलाब है ये क्या करता है फ्रेंडशिप को दर्शाता है, मतलब अगर आपको कोई पीला गुलाब दे तो ये मत समझना कि उसको लव है। ठीक है, लव कब होगा जब आप रेड गुलाब दोगे उसको, मतलब पीला गुलाब रहेगा तो उसका मतलब है सिर्फ दोस्ती है, क्या है दोस्ती है, मतलब फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप दोस्ती, दोस्ती देखभाल, फ्रेंडशिप एंड केयरिंग, मतलब वो केयर भी करता है आपकी, दोस्ती देखभाल, भाई इंग्लिश वाले भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, फ्रेंडशिप एंड केयरिंग। आगे हम बात करते हैं, हमारा पीले रंग का गुलाब हो गया, इसके बाद में हमारे पास गुलाब आता है पिंक रोज, पिंक रोज मतलब पिंक मतलब समझ गए, गुलाबी गुलाब अगर कोई देता है तो इसका मतलब समझ लो कि उसको आनंद है, क्या है आनंद, मजे के लिए वो दे रहा है, जॉय। आगे हम बात करते हैं ऑरेंज रोज, ऑरेंज रोज, तो ऑरेंज रोज भाई क्या बताता है, ऑरेंज रोज बताता है कि फैशन एंड एनर्जी, ठीक है, मतलब एनर्जेटिक रहो हमेशा, क्या रहो एनर्जेटिक रहो, एनर्जेटिक। आगे हम बात करते हैं लेवेंडर रोज, लेवेंडर रोज, और लेवेंडर रोज जो है ये क्या बताता है, लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट। भाई ऐसे क्वेश्चन आपके आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम में इनमें पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। आगे हम बात करते हैं ब्लू रोज, ब्लू रोज, अब देखो ब्लू रोज क्या बोलता है, ब्लू रोज बोलता है आई कांट हैव यू बट आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मतलब मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन आपके बारे में सोचूंगा, ठीक है ना। अगर कोई आपको ब्लू गुलाब देता है तो मतलब इसका मतलब है कि वो आपकी मदद नहीं करेगा लेकिन आपके बारे में सोचेगा, मतलब इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे नीले नीला गुलाब, मतलब एक तरीके से आदमी को इस तरीके से बोलता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मतलब अगर आपसे कोई मदद मांगता है और अगर आप उसको ब्लू रोज दिखाते हो, कौन सा रोज दिखाते हो, ब्लू रोज, मतलब समझो जैसे एक तरीके से किसी को आपसे काम की जरूरत है, ठीक है, मतलब वो आपसे कुछ काम करवाना चाहता है, अब वो कुछ काम करवाना चाहता है, अगर आप उसको ब्लू रोज ऐसे दिखाते हो तो उसका मतलब है सामने वाला आदमी क्या समझेगा कि ये काम आप नहीं कर सकते लेकिन इसके बारे में सोचोगे जरूर, मतलब इसके बारे में आप सोचोगे बट काम नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इसमें आप नोट कर लेना अपने लैंग्वेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ब्लैक रोज, तो भाई ब्लैक रोज का आपको पता होगा 9 नंबर पे, ब्लैक रोज काला गुलाब, जहां पे डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें लिखोगे डेथ ऑफ फीलिंग और आइडियाज, डेथ ऑफ रिलेशनशिप, मतलब ऐसा नहीं है कि मर गया इंसान तभी ब्लैक रोज का काम में लेंगे, ठीक है ना, मतलब इसको जहां पर भी काम में लिया जाता है, जैसे सपोज करो कोई रिलेशनशिप था, पहले रिलेशनशिप था दोनों के बीच में, रिलेशनशिप टूट गया, तब उस कंडीशन पर भी ब्लैक रोज को काम में लिया जा सकता है। तो हमारे रोज हो गए, इनका मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है, रेड लव के लिए, डीप रेड रोज अफसोस के लिए, सहानुभूति के लिए, व्हाइट रोज सहानुभूति के लिए, ठीक है ना, उसमें अफसोस व्यक्त करेगा, और जो पीला है ये दोस्ती देखभाल करेगा, पिंक रोज जो है जो मजे के लिए, ऑरेंज जो है एनर्जेटिक रहो, पैशन पैशन अपने आप में रखो, ठीक है, लेवेंडर रोज लव एट फर्स्ट साइट,
और ब्लू रोज का मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, मतलब वो एक तरीके से उसका वर्क नहीं कर सकता लेकिन सोचेगा जरूर उसके बारे में। और ब्लैक रोज जो है ये डेथ या कोई रिलेशनशिप के एक तरीके से टूट गया हो तब वहां पे इसको काम में लिया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला स्टार लगा के लिखना, देखो जड़ों के शीघ्र विकास के लिए क्या काम में लेते हैं, जड़ों के शीघ्र विकास के लिए क्या काम में लेते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में रूट ग्रोथ के लिए, ताकि फटाफट रूट ग्रोथ हो सके तो IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। और कितना काम में लेते हैं भाई ये, हम काम में लेते हैं यहाँ पर करीबन 500 PPM, कितना लेते हैं 500 PPM, स्टार लगा के लिख लेना भाई, ठीक है ना, नोट करते हुए चलना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं गुलाब में कटिंग कब की जाती है। गुलाब में कटिंग की अगर मैं बात करूं तो जून टू जुलाई, ठीक है ना, जून टू जुलाई में। और मैं बात करूं यहां पर बडिंग की, बडिंग तो बडिंग होती है इसमें जैन फेब में, जनवरी और फरवरी में। आगे हम बात करते हैं रोजेरी, रोजेरी क्या होता है, तो देखो रोजेरी क्या होता है, गुलाब के बाग जो लगाते हैं, गुलाब के बाग लगाना क्या कहलाता है, रोजेरी कहलाता है। गुलाब के बाग लगाना हिंदी में भी क्या बोलते हैं, रोजेरी बोलते हैं। गुलाब के बाग लगाना, गुलाब के बाग लगाना क्या कहलाता है, रोजेरी कहलाता है। तो हमारी यहाँ पर क्या हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे हम बात करते हैं जो रोज हैं इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, मतलब अलग अलग स्पीसीज के आधार पर, प्रजातियों के आधार पर अलग अलग तरीके से इसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो वर्गीकरण समझते हैं, उसके बाद में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो। मैं रफ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपके 11th क्लास में चारों फ्लावर दिए हुए हैं, 6 फ्लावर दे रखे हैं, वहाँ पर भी आपको डीपली मतलब दे रखा है सब कुछ। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको सब याद होगा, ठीक है ना, 6 फ्लावर आपको बिल्कुल अच्छे से याद होंगे। आपके जेट में सिर्फ ओनली 4 फ्लावर आपके दे रखे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गुलाब का वर्ग, तो एक तरफ तो लिखेंगे गुलाब का वर्ग, गुलाब का वर्ग क्लासिफिकेशन ऑफ रोज, और एक तरफ लिखूंगा मैं वेराइटीज कौन कौन सी किस्में हैं जो फेमस है, ठीक है ना। पॉपुलर वेराइटीज ही भी आप बताऊंगा मैं आपको, ऐसे बहुत सारी वेराइटीज है लेकिन जो पॉपुलर हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती है, उन्हीं वेराइटीज की हम बात करेंगे। सबसे पहला जो वर्ग आता है हमारे पास वो आता है हाइब्रिड टी। और जो हाइब्रिड टी है इसकी जो वेराइटीज है वो है सुपर स्टार। इसके अलावा यहां पर आती है फर्स्ट रोज एंड ब्लू मून, नीला चंद्रमा, और इसके बाद में पैराडाइज। ये किसकी वेराइटीज है भाई, ये है आपके हाइब्रिड टी रोज की वेराइटीज। अगला वर्ग है इसका फ्लोरीबंडा। भाई आप लोग रोजा फ्लोरीबंडा बोटनिकल नेम सुना होगा, तो एक प्रजातियों के आधार पर है फ्लोरीबंडा, और इसको हम बोलते हैं यहां पर रोजा ग्रैंडी फ्लोरा भी बोलते हैं। ग्रैंडी फ्लोरा, जो ग्रैंडी फ्लोरा है ये बड़े स्तर पर इसकी खेती की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि बड़े स्तर पर खेती जो की जाती है किस वर्ग की जाती है, किस गुलाब की जाती है, तो आप क्या बताओगे, रोजा फ्लोरीबंडा या रोजा ग्रैंडी फ्लोरा बताओगे। और इसकी जो वेराइटीज है वो है क्यून अलिजाबेथ। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है पोलियंथा थर्ड नंबर पे। और जो पोलियंथा गुलाब है इसको घरों में लगाया जाता है, ठीक है ना, घरेलू बगीचों में लगाने के लिए या फिर गमलों में लगाने के लिए, ठीक है, नॉर्मल मनोरंजन के लिए, तो इसको घरों में लगाया जाता है, आप याद रखना, मतलब हाउस में, गृह वाटिका में हम इसको लगा सकते हैं। और इसकी जो वेराइटीज है वो है पिंक स्वार्स। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है मिनिएचर वर्ग। और मिनिएचर वर्ग ये है, इसमें कीट वगैरह नहीं लगते हैं भाई, ठीक है ना, कीट वगैरह इसके अंदर नहीं लगते हैं, और इसको बेबी गुलाब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेबी गुलाब। अगर क्वेश्चन पूछे कि बेबी गुलाब किसको बोला जाता है, तो क्या बोलोगे, मिनिएचर गुलाब को बोला जाता है, और बेबी गुलाब के नाम से इसको जाना जाता है, और इसको पॉली हाउस वगैरह में लगाया जाता है या फिर बॉर्डर में, ठीक है, बॉर्डर आसपास। जैसे सपोज करो ये कोई हमारा बगीचा है, इस बगीचे के आसपास इसके पौधे लगाए जाते हैं एज अ बॉर्डर। भाई बॉर्डर किसको बोलते हैं, एक तरीके से आसपास की जो है
फेंसिंग है, ठीक है ना, इसको बॉर्डर बोलते हैं। तो बॉर्डर के लिए किसको लगाया जाता है, बेबी गुलाब को लगाया जाता है। और इसकी जो वेराइटीज है वो है बेबी डार्लिंग और इसके अलावा है गोल्ड स्टार और डार्क ब्यूटी। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है लता वर्ग। क्या होता है भाई, बेल वाले, मतलब ये जो इस प्रकार का गुलाब होता है वो दीवारों के सहारे चढ़ता है और एक तरीके से सजावट के लिए ही काम में लिया जाता है, और इस पर छोटे कलर के फ्लावर आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे दीवारों के सहारे चढ़ेगा, ठीक है ना। और इसकी है पिंक पर्ल इसकी किस्म है, और लाल किला किसकी किस्म है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लता गुलाब की है। अगला आता है गोल्डन स्वार्न। तो क्या हो गई हमारे पास, इसकी किस्में हो गई। ये वर्गीकरण मैंने आपको बताया, ये वर्गीकरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से समझना भाई। गुलाब को वर्गीकृत किया हुआ है, एक तो हाइब्रिड टी है, इसकी किस्में है सुपर स्टार, फर्स्ट रोज, ब्लू मून और पेराडाइज है, फ्लोरीबंडा या ग्रैंडी फ्लोरा, ये सबसे बड़े स्तर पर इसको उगाया जाता है। क्यून एलिजाबेथ इसकी किस्म है जो पॉपुलर है। पोलियंता है इसकी किस्म है पिंक स्वास मिनिएचर, बेबी रोज भी बोला जाता है, बेबी गुलाब बोला जाता है, और इसको एक तरीके से फेंसिंग के लिए, बॉर्डर के लिए इसको उगाया जाता है, इसकी किस्म है बेबी डार्लिंग, गोल्ड स्टार और डार्क ब्यूटी है। लता वर्ग दीवारों के लिए पिंक पर्ल है, लाल किला है और गोल्डन स्वार्न है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस या अदर वेराइटीज है जहां से आपके क्वेश्चन पुट अप होता है, उन किस्मों को हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो किस्में भी आपसे पूछी जाती है। अधिकतर आपका जो गुलाब से क्वेश्चन पुटअप होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आगे जो बेसिक हमने देखा था वहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। बाकी वेराइटीज भी आप बिल्कुल अच्छे से देख ले, कई बार वेराइटी दे दी जाती है, ठीक है। तुसार है, मैं आपको जो वेराइटीज बताऊंगा किस्में, या आपको रंगों के आधार पर बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट फ्लावर वेराइटीज जिनके सफेद फूल आते हैं। तो वेराइटी है यहां पर तुसार, कौन सी है भाई, तुसार वेराइटी किस प्रकार के, मतलब गुलाब की वेराइटी है तो सफेद फूल आते हैं इसमें। अगली हम बात करेंगे यहां पर लाल गुलाब की, रेड कलर वाले फ्लावर की जो किस्में हैं वो है हमारे पास यहां पर रक्तगंधा, मतलब खून गंदा है, ठीक है ना, रक्तगंधा है, ग्लेडिएटर और क्रिसमस ग्लोरी आदि, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये किस्में कौन सी है, लाल गुलाब की किस्में हैं। अगली हम बात करेंगे यहाँ पर अगली कांटे रहित, ठीक है ना, जिन पे कांटे नहीं होते भाई, जो गुलाब होता है इस पे कांटे पाए जाते हैं। तो बिना कांटे वाली किस्म कौन सी है, दो किस्में हैं, एक तो सुचित्रा है, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो सुचित्रा है और दूसरी मोहित है। इन दोनों किस्मों पे कांटे नहीं होते हैं गुलाब के पेड़ पर। आगे हम बात करते हैं गुलकंद बनाने के लिए कौन सी किस्में अच्छी है। तो गुलकंद बनाने के लिए है एडवर्ड रोज और अगला आता है पॉली हाउस में गुलाब लगाना है तो इसके लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। तो एक तो फर्स्ट रोज जो हाइब्रिड टी वर्ग से बिलोंग करती है और मोहिनी। तो गाइज ये हमारा गुलाब था, गुलाब को हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाई आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, गुलाब से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो जो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है इसके बाहर नहीं जाने वाला। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। कोई डाउट है तो आप कंटिन्यू कमेंट करते रहे, आंसर आप लोगों को दिए जाएंगे। और गाइज यार सपोर्ट करें, सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप गूगल पे से जितना आप लोगों से हो सके आप मुझे पे जरूर करें। उसका गूगल पे आईडी का लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।